अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, इस टाइम मैं बैठा हूँ चेयर पर, आप देख सकते हैं बेंच है एक। कुछ ऐसे वर्ब्स होते हैं जिनको आप हमेशा आईएनजी फॉर्म में ही इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जांपल सिटिंग, जैसे मैं यहाँ पर बैठा हुआ हूँ, इसको सिटिंग ही कहेंगे। आप ये नहीं कह सकते अगर मैं कहूँ मैं यहाँ पर बैठा हूँ तो आप कहेंगे आई हैव सेट हेयर। सेट को आप नहीं लेते, इसको एज इट इज़ सिटिंग की फॉर्म में ही लिया जाएगा। कुछ ऐसे वर्ब्स हैं, अगर आप बैठे हुए हैं या बैठ जाते हैं तो आप कहते हैं मैं बैठा हुआ था, आप कहते हैं कल मैं उस चेयर पर बैठा हुआ था, तो आप कहेंगे आई वॉज सिटिंग ओवर देयर यस्टरडे। सिटिंग ही कहेंगे आप, कंटिन्यूस फॉर्म में ही इस वर्ब को उठाते हैं, इसकी सेकेंड या थर्ड फॉर्म आप पुट नहीं कर सकते। और अगर आप खड़े हो जाते हैं, अगर आप कहते हैं कि मैं इस जगह खड़ा था तो वहाँ पर भी आई स्टूड यहाँ पर नहीं कह सकते, आई स्टूड ओवर देयर नहीं कह सकते, आई वॉज स्टैंडिंग देयर कहेंगे, पास्ट कंटिन्यूस टेंस में ले जाएंगे। तो ये दो ऐसे वर्ब्स हैं जो याद रखें हमेशा आईएनजी फॉर्म में ही आते हैं, और इनका मतलब ये होता है ये अपनी एडजेक्टिव को या अपने हालत को कह लें बयान करते हैं। हालत को ना भी बयान करें तो ये एज इट इज़ आपको आईएनजी फॉर्म में इस्तेमाल करना होता है, जिनमें एक लफ्ज़ सिटिंग है और दूसरा स्टैंडिंग है। सिटिंग का मतलब है बैठा हुआ होना और स्टैंडिंग का मतलब है खड़े होना। कि मैं अगर मैं कहता हूँ मैं यहाँ पर बैठा हुआ हूँ तो मैं ये नहीं कहूँगा आई हैव सैट हियर, मैं यहाँ बैठ गया हूँ, तब भी आप ये कहेंगे आई वॉज सिटिंग ओवर देयर। और अगर आप खड़े होते हैं तो उसके लिए स्टैंडिंग कहेंगे कि मैं वहाँ खड़ा था या मैं यहाँ खड़ा हूँ, तो आप कहेंगे आई एम स्टैंडिंग, आई वॉज स्टैंडिंग। तो याद रखें स्टैंडिंग और सिटिंग को मोस्ट कॉमनली, अपार्ट फ्रॉम सम एक्सेप्शनल केसेस जहाँ पर सेकेंड थर्ड फॉर्म आती है, आपको उसको आईएनजी फॉर्म के अंदर ही इस्तेमाल करना होता है। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो अक्सर स्टूडेंट जब लिख रहे होते हैं वो टेंसेस के अकॉर्डिंगली इसको चेंज कर देते हैं और वो गलत हो जाता है। सो उम्मीद है कि ये एक ट्रिकी पॉइंट मैंने डिफाइन किया, आपको समझ आई होगी लेक्चर। मेरे दीगर लेक्चर देखने के लिए मेरा यूट्यूब चैनल सैयद अली रज़ा कादमी सब्सक्राइब कर लें, और अगर आप मुझे ऑनलाइन इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स करना चाह रहे हैं तो नंबर आपकी स्क्रीन पर मौजूद है, एक रीजनेबल फी पे करके आप ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। दोबारा शुरू हो गया।